आज हिट द सेकंड केस का टीजर रिलीज हो चुका है और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि पहले तो हिट द फर्स्ट केस मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसका पहला पार्ट जिस तरह से बनाया है, उसका सस्पेंस, उसका थ्रिल, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरह की स्टार कास्ट थी और तो और मूवी का जिस तरह का सस्पेंस था वो तो देखने लायक था। और मूवी की स्टोरी भी एक सी आलतू फालतू बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम झेर थी। इसी कारण मैं सेकंड पार्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मेरी एक्साइटेड और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इस मूवी का कनेक्शन पहले वाले पार्ट से होने वाला है। मतलब हिट का सेकंड पार्ट पहले वाले पार्ट से कनेक्टेड होने वाला है और ये कनेक्शन किस तरह का होगा ये मूवी देखने के बाद यहाँ पता चलेगा। आजकल ये कनेक्टेड वाली मूवीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक क्राइम थ्रिलर और एक मर्डर मिस्ट्री मूवी कनेक्टेड होना और उसका सस्पेंस एंड में जाके एक साथ कनेक्टेड होना, ये चीज देखने लायक हो सकती है अगर मूवी का डायरेक्टर सेम हो और मूवी का स्क्रीन पे लगभग सेम हो और इस मूवी का टीजर भी लगभग वैसा ही दिख रहा है। मतलब एक पुलिस ऑफिसर है जिसको कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि उसका डिपार्टमेंट को कोई परवाह नहीं है, कोई भी क्राइम होता है तो उसके उसके डिपार्टमेंट को कोई भी जरूरत नहीं है। इसी कारण अपना पुलिस ऑफिसर मतलब आदिवासी का कैरेक्टर एकदम ऐसे कूल है, लेकिन बाद में एक केस आ जाता है जो कि पूरी तरह से हैरान करके रख देता है। उसका सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स टाइप टीजर है उन्होंने डाला है, लेकिन उस जगह का बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरह का वो क्रिमिनल माइंड वाला बंदा डायलॉग बोलता है वो देखने लायक है। और तो और एंड में जब वो वाली लाश वो लोग रिवील करते हैं जो कि एक बंदी की होती है जिस जगह पे वो लाश रिवील होती है वो वाली जगह और उस जगह का पूरा माहौल और पूरी कास्ट की परफॉर्मेंस, उनकी एक्सप्रेशन, उसी चीज से हम लोग को समझ आ जाता है कि वो मर्डर करने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस मूवी का कनेक्टिव सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होना, ये चीज तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर सकती है। लेकिन फिर भी आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले तो आदिविशेष है और वही मूवी का डायरेक्टर है और तो नानी भी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है जो कि शायद करने वाले नहीं थी जैसी मुझे अपडेट मिली थी, क्योंकि उनका मानना था सिर्फ पहले वाली मूवी वो लोग प्रोड्यूस करने वाले नानी और दूसरी वाली मूवी वो लोग बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करने वाले, नए टैलेंट को वो लोग एक चांस देना चाहते है। लेकिन वो लोग दूसरी वाली भी मूवी को प्रोड्यूस कर रहे और इसका शायद अगला भी पार्ट आएगा और एंड में जाके सभी का कनेक्शन एक साथ आएगा और कोई ना कोई तो बड़ा वाला मेन विलन इन सब के बीच में ऐसे घूम रहा होगा, तो ये वाली चीज देखने लायक होगी। और ये मूवी हिंदी में भी आएगी, शायद मुझे तो लगता है ये मूवी हिंदी में भी आएगी क्योंकि पहली वाली तो मेजर साध्वी शेष की आ चुकी है हिंदी में और उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद ये वाली मूवी हिंदी में आएगी और हिंदी में आने के साथ ही इस मूवी का हिंदी में रिमेक बनने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी रिमेक अगर ये लोग बनाते हैं तो वो तो पिटेगी क्योंकि इस मूवी के सामने हिंदी वाला रीमेक टिकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इस मूवी का पहला वाला पार्ट नहीं देखा ओरिजिन वाला वो जाके देख लो, क्योंकि उसके बाद ही आप ये वाली मूवी देख सकते हो और ये मूवी रिलीज होने वाली है 2 दिसंबर को। तो इसी कारण आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने टीजर नहीं देखा तो जाइए टीजर को देखिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो को थोड़ा भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, बाद वाला घंटा है ना दबा दो, ऑल पर कर दो और वीडियो शेयर करो, बस इतना ही करो, कुछ भी मत करो, इतना ही, और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो बस मिलता है वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।